वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। इंश्योरेंस क्लेम का पढ़ाई हम लोग कर रहे थे, आज इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का फोर्थ क्लास है एंड आज हम लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को कंप्लीट करके लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में इंटर कर जाएंगे। थर्ड क्लास के बाद एक छोटा सा 17 मिनट्स का वीडियो आपको मिला होगा जो थर्ड क्लास होमवर्क के नाम से मैंने रखा है। एक्चुअली लास्ट डे इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण क्लास हो नहीं पाई लाइव ऑनलाइन, उसके कारण मैंने क्लास कैंसिल करके आज मैं फोर्थ क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। तो वो थर्ड क्लास का होमवर्क मान के आपको 17 मिनट्स की छोटी सी क्लास करनी है एंड आज हम लोग फोर्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को आज कंप्लीट करेंगे और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हमारा लास्ट ज्ञान, लास्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे जहां पर हम लोग डैमेज्ड गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स या एबनॉर्मल गुड्स का डिस्कशन कर रहे थे। थर्ड क्लास में मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एग्जाम्पल कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, बट जाते जाते बच्चे थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए थे। बट एक दो जगह पर बच्चों का ऐसा था कि सर यहां पर अगर हम लोग कॉस्ट की जगह अगर हम लोग वो वैल्यू ले लेते जिस वैल्यू पर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया गया है एबनॉर्मल गुड्स का, तो ज्यादा बेटर नहीं होता क्या? मैंने एक्सप्लेन किया था, बट बच्चों के मन में हमेशा थोड़ा सा डाउट रहता ही है जब भी टॉपिक थोड़ा टेक्निकल होना शुरू होता है। तो आज हमारा काम है फटाफट पहले रिवाइज करके उस टॉपिक का बैकग्राउंड हम लोग लिख लेंगे एंड आज हम लोग एबनॉर्मल गुड्स के ऊपर और क्वेश्चन बनाएंगे। स्टार्ट करें और आज की क्लास में एक रिवॉर्ड प्रॉब्लम है। जो बच्चा उस प्रॉब्लम को सबसे पहले सबसे सही सॉल्व करके देगा उसे मैं कैश रिवॉर्ड दूंगा। सर हम लोग तो सेंटर पर है ही नहीं, कैश रिवॉर्ड कैसे देंगे आप? मैं कैश रिवॉर्ड पेटीएम के थ्रू दूंगा एंड वो कैश रिवॉर्ड आप तक पहुंचेगा। मैं आपके सामने आपको पेटीएम, जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन जी देते हैं ना चेक, वैसे ही मैं आपके सामने आपको पेटीएम रिवॉर्ड दूंगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग आज की क्लास में अच्छे से सुने पूरा क्लास, ताकि आप सारे ही बच्चे उस रिवॉर्ड प्रॉब्लम में, उस रिवॉर्ड वाले चॉकलेट प्रॉब्लम में आप पार्टिसिपेट कर सके। स्टार्ट करें, सुनना ध्यान से मेरी बात। हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पढ़ रहे थे। एक बार अगर वापस बैकग्राउंड याद दिलाऊं, हमने स्टार्ट किया था कि हमारा बिजनेस एंटिटी में हमने अपने स्टॉक को इंश्योर करवा रखा है, स्टॉक को इंश्योर करवा रखा है इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर अगेंस्ट फायर। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पॉलिसी एक दिन आग लग जाता है और हमारे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक जल जाता है। हम लोगों को इस टॉपिक में यह सिखाया जाएगा कि हम जो स्टॉक का नुकसान हुआ है उस लॉस को कैसे कैलकुलेट करें और उस लॉस के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम लेना है वो क्लेम का अमाउंट कितना हमें इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई फॉर करना है या सबमिट करना है। हमने स्टार्ट किया था कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग तीन स्टेप्स में काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हम यह डिटरमाइन करेंगे कि जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा था, उस दिन हमारे गोडाउन में फिजिकली कितना स्टॉक अवेलेबल था। यह निकालने के लिए हम लोग एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर। हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे देगा, एस्टिमेटेड एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उस ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो को यूज करके सेल से जीपी निकाल लेंगे, ओपनिंग स्टॉक परचेज हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिल जाएगा, जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। जब भी कैलकुलेशन करेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे हमें वो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए जो उस दिन गोडाउन में फिजिकली प्रेजेंट था। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट दिया हो गुड्स के मूवमेंट से लेकर, तो उसको ध्यान से एडजस्ट कीजिएगा। इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हम फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट कर सके। कभी कभी जीपी रेशियो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देकर लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट का डेटा दे देता है। हम लोग लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट के डेटा से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और उस जीपी रेशियो के बेसिस पे हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे हमारे करंट पीरियड का जीपी कितना होना चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक कितना निकलेगा। यह हमारा स्टेप नंबर वन था। स्टेप नंबर टू था, स्टॉक कितना है पता चल गया, तो अब लॉस कितना हुआ है वो कैलकुलेट करो। लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे कितना स्टॉक उस दिन अवेलेबल था, प्लस अगर कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंस वगैरह लगा है उस लॉस को, उस दिन आग को बुझाने के लिए कोई खर्चा लगा है वो, माइनस इस स्टॉक में से कितना स्टॉक ऐसा है जिसको अभी भी बेचकर रियलाइज किया जा सकता है, जिसको हम लोग सैल्वेज स्टॉक बोलते हैं, माइनस सैल्वेज वैल्यू करेंगे तो हमारा नेट लॉस निकल के आ जाएगा। सैल्वेज वैल्यू पर हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बोल दे कि यह सैल्वेज स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी लेकर जाएगा, यह सैल्वेज स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी लेकर जाएगा, तो हम यहां पर डिडक्ट नहीं करेंगे।
करेंगे। नेट लॉस निकलने के बाद हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे। क्लेम कैलकुलेट करते समय सबसे पहला चीज देखना क्वेश्चन में, एवरेज क्लॉज पॉलिसी में है या पॉलिसी में नहीं है। अगर कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन तो हम लोग एज्यूम करेंगे एवरेज क्लॉज है। नंबर टू, आपको चेक करना है क्या कहीं हमने अंडर इंश्योरेंस तो नहीं करवा रखा है ना स्टॉक का। हमारे पास उस दिन स्टॉक था 1,00,000 रुपए का, इंश्योरेंस क्या 1,00,000 से नीचे करवाई हुई है? अगर 1,00,000 से कम कराई हुई है तो अंडर इंश्योरेंस है, एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। अगर 1,00,000 या उससे ऊपर है तो फिर कोई एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करना, क्लेम होगा लॉस और पॉलिसी वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है तो क्लेम होता है लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक का अमाउंट, एसेट का वैल्यू जो हमें इंश्योर करवाना चाहिए था। इतना दूर हम लोग सीख चुके थे। फिर मैंने स्पेशल केसेस स्टार्ट किए स्टॉक के मूवमेंट को लेकर, और मैंने आपको बोला सिर्फ इसी चीज पर ध्यान दो कि आपका जो स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या वो स्टॉक के एडजस्टमेंट आपके फिजिकल स्टॉक को इफेक्ट करते हैं या नहीं। जैसे बहुत सिंपल, हमने गुड्स परचेस किया, रिसीव कर लिया, बट हमने परचेस की एंट्री करना छोड़ दिया, हमने परचेस की एंट्री नहीं की, तो हमारा जो परचेस है वो कम दिख रहा होगा, उस परचेस को हम लोग बढ़ा देंगे। हमने परचेस की एंट्री कर ली क्योंकि इनवॉइस आ गया, बट गुड्स फिजिकली हमारे गोडाउन में अभी तक आया नहीं, तो क्योंकि गुड्स हमारे पास आया नहीं हम लोगों ने परचेस में इंक्लूड कर रखा है, इसको परचेस से हटाओ ताकि क्लोजिंग स्टॉक में वही गुड्स बचे जो उस दिन फिजिकली गोडाउन में अवेलेबल था। सेम हमने सेल्स के साथ सीखा। इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सीखा था, सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मैंने बिफोर द डेट ऑफ फायर अपने कस्टमर को कुछ गुड्स सेंड किए ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ऑन द डेट ऑफ फायर कुछ ऐसे गुड्स कस्टमर के पास पड़े हैं जिसमें उसने अभी तक अप्रूवल दिया नहीं है, जिसको हम लोग बोलते थे पेंडिंग इंटीमेशन, जिसका अप्रूवल अभी तक आया नहीं है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सेल्स अप्रूवल को भी नॉर्मल सेल्स मान के एंट्री कर देते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट अगर अप्रूवल नहीं आया है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हमें इस बात का एडजस्टमेंट करना होगा। पहला तरीका मैंने सिखाया, तुम इस चीज को इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? क्योंकि अगर गुड्स तुम्हारे पास नहीं है, कस्टमर के पास है, तो उस दिन गोडाउन में फिजिकली अवेलेबल नहीं थे। अगर तुम्हारे सेल्स में इंक्लूडेड है, सेल्स मतलब हमने माल बेच दिया, जैसे ही सेल्स में वो इंक्लूड हो गया आप क्लोजिंग स्टॉक में वो नहीं आएगा क्योंकि वो माल बिक चुका है। पहला तरीका था इग्नोर कर दो इसको, अपने आप आपका क्लोजिंग स्टॉक वही निकलेगा जो आपके गोडाउन में अवेलेबल था। दूसरा तरीका था, जब मैंने ये बोला तो बच्चे ने बोला सर आपने सेल्स तो गलत दिखा दिया ना, सर अगर 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 इंटीमेशन नहीं आया तो अभी तक सेल्स हुआ नहीं है, सर आपने सेल्स में छोड़ दिया उसको, ये तो गलत है। तो मैंने बोला चलो अगर वो सेल्स नहीं है तो सेल्स से हटाओ, बट आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा सेल्स से हटाने के बाद कि वो गुड्स मेरे पास गोडाउन में उस दिन अवेलेबल नहीं थे। अगर मैं सिर्फ सेल्स से हटा के छोड़ दूंगा तो वो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। इस चीज को ठीक करने के लिए हमने सीखा था कि हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे गुड्स लाइंग विद कस्टमर, गुड्स लाइंग विद कस्टमर क्लोजिंग स्टॉक से अलग करके गुड्स लाइंग विद कस्टमर, और गुड्स का कॉस्ट हम लोग लिख देंगे। जैसे ही हम लोग लिख देंगे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो निकल जाएगा, जो गुड्स मेरे पास उस दिन गोडाउन में अवेलेबल था फिजिकली ऑन द डेट ऑफ फायर। ये हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़ लिया था और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बना लिए थे हमने। लास्ट बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ अबनॉर्मल गुड्स, डैमेज्ड गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स या स्लो मूविंग आइटम्स। ये कॉन्सेप्ट क्या था? अगर हमारे स्टॉक के अंदर कोई डैमेज, डिफेक्टिव, एबनॉर्मल गुड्स है तो हम लोगों को जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उस समय सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हम लोग क्या कर देते हैं, सेल्स के ऊपर जीपी परसेंटेज मल्टीप्लाई करके सीधा जीपी निकालते हैं, बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। अगर हमारी सेल्स के अंदर, हमारे गुड्स के अंदर कुछ नॉन स्लो मूविंग आइटम्स है, एबनॉर्मल आइटम्स है, स्लो मूविंग आइटम्स, एबनॉर्मल आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये नॉर्मल जीपी मार्जिन पे बेच पाना पॉसिबल नहीं होता, या तो ये कुछ सस्ते में बेचने पड़ेंगे या इनको नुकसान पर बेचना पड़ेगा। अगर ऐसे गुड्स हमारे पास है तो उसका हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना है, नंबर वन, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा जीपी रेशियो निकालने के लिए, जीपी रेशियो निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ नॉर्मल गुड्स का बनाऊंगा क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स कम पे भी बिक सकते हैं, ज्यादा पे भी बिक सकते, उनका कोई फिक्स्ड जीपी परसेंटेज नहीं होगा। तो मैंने बोला जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ हर जगह से जहां जहां एबनॉर्मल गुड्स इंक्लूडेड है वहां से हटा दो, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो नॉर्मल गुड्स का निकलेगा और ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करके नॉर्मल गुड्स का जीपी निकाल लो।
अब जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तुम बनाओ, तुम दो कॉलम बनाओ, नॉर्मल गुड्स का अलग कॉलम, एबनॉर्मल गुड्स का अलग कॉलम। नॉर्मल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, सेल्स के ऊपर जीपी और क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। एबनॉर्मल गुड्स का कॉलम बनाते समय उसका ओपनिंग स्टॉक, उसका सेल्स अलग दिखाना नॉर्मल गुड्स से, और उनकी वैल्यूएशन करते समय बहुत ध्यान रखना। लास्ट क्लास में इसी चीज पर बच्चे डाउट पूछ रहे थे, सर आपने जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, एबनॉर्मल गुड्स का कॉलम बनाया, सर आपने एबनॉर्मल गुड्स की रिटेन डाउन वैल्यू क्यों नहीं ली? रिटेन डाउन वैल्यू मतलब जितना वैल्यू राइट ऑफ करके हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाया था, सर आपने वहां कॉस्ट क्यों लिया था? मैंने कॉस्ट लिया था ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ कैलकुलेटिंग मेनी प्रॉफिट्स। आपका प्रॉफिट बार बार अलग अलग चीज के लिए, सेल का अलग प्रॉफिट, फिर स्टॉक का रीवैल्यूएशन करने का अलग प्रॉफिट, इस चीज को हटाने के लिए मैंने बोला था तुम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाओ एबनॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट पे वैल्यू करो, उसका कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करके फाइनली जो क्वेश्चन बोले उसके हिसाब से वैल्यूएशन करके लॉस निकाल लेना। और यही पर बच्चों लोग का डाउट आया, सर अगर मैं कॉस्ट नहीं दिखा के मैं उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू दिखाऊं तो किस तरीके से हम लोग सम को करेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास सिखाया भी था और जो आनंद ने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अच्छे से करके भेजा भी था। बट मैंने बोला वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में वो करने जाओगे तो फंस जाओगे, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ आपका, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर चुका आपका आंसर गलत हो जाएगा। टू मेक इट इजियर हमने बोला मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कॉस्ट पे बनाएंगे, सारे वैल्यूएशन कैलकुलेशन कॉस्ट पे करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस टाइप से वैल्यूएशन करके हम लोग लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने लास्ट क्लास इसके बारे में समझाया, क्वेश्चन कराए, बट मैं लिखवाया नहीं था। आज सबसे पहला हम लोग काम करेंगे ये जो पॉइंट नंबर 8 था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेक्टिव अबनॉर्मल और स्लो मूविंग गुड्स, इसका सबसे पहले हम लोग स्टेप्स नोट डाउन कर लेंगे और फिर इसके दो क्वेश्चन बना के हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। डन है? आ जाओ लिखो मेरे साथ कॉपी में। पॉइंट नंबर 1 आप ए भी लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 8 का पॉइंट ए, पॉइंट नंबर 8 का पॉइंट ए लिखिए, स्लो मूविंग गुड्स ऑब्लिक डैमेज्ड गुड्स विल नॉट बी सोल्ड या विल नॉट यील्ड will not be sold या will not yield the same gross profit margin as normal goods because they have to be sold खुशी वीडियो अटकने का कारण हो सकता है आपका थोड़ा इंटरनेट। मैंने पहले क्लास में बोला था आप अपने जो आपका जो इंटरनेट वीडियो चल रहा है उसकी जो क्वालिटी है वो एक फिक्स 480p पर सेट कर लो, प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इंटरनेट चेक करो, मेरे हिसाब से सब कुछ यहां पर ठीक है, हो ही सकता है इंटरनेट का गड़बड़ी, आप चेक कर लो। Because they have to be sold at a lower price. झिलमिल मैं आपके डाउट का आंसर जरूर करूंगा, थोड़ा वेट करें। At a lower price. Number B. While preparing. ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, अब मैं तुमको इसका ट्रीटमेंट समझा रहा हूं, वो लिख रहे हैं हम लोग पॉइंट बी में। व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन नॉर्मल गुड्स of last year to calculate gross profit margin on normal goods, we will eliminate
वी विल एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स फ्रॉम ऑल द आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑल द आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट विच इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ सच गुड्स which includes the effect of such goods. We will eliminate the effect of abnormal goods from all the items of trading account which includes the effect of such goods. Last class में जो question किया था, सबसे पहला जो abnormal goods का effect था, वो last year के closing stock valuation में था. हमने सबसे पहले last year के closing stock से abnormal goods को हटा दिया, जितना value वहाँ पर included था. क्योंकि लास्ट ईयर एबनॉर्मल गुड्स का कोई सेल नहीं था, तो सेल को हमने एज इट इज छोड़ दिया, वो पूरा का पूरा नॉर्मल गुड्स का था. और हमने ओपनिंग स्टॉक या परचेज दोनों में से किसी एक से ओपनिंग स्टॉक या परचेज से एबनॉर्मल गुड्स को हटाया था, जितना एबनॉर्मल गुड्स का कॉस्ट उनके अंदर इंक्लूडेड था. अगर कोई चीज क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है तो वो कभी ना कभी आपने परचेज किया होगा. जब परचेज किया होगा, अगर इस साल परचेज किया होगा तो आपने परचेज में इंक्लूड किया होगा. अगर पहले का परचेज किया हुआ है तो आपके ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा. आपको वहां वहां से उस आइटम का इफेक्ट हटाना है. हटाने का तरीका बेसिक लिखा रहा हूं. फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक एलिमिनेट द बुक वैल्यू ऑफ सच स्टॉक फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक और परचेज एलिमिनेट द कॉस्ट ऑफ सच स्टॉक. अगर बच्चे सुन, ये लिखकर ये मत सोचना कि ये मैंने तुमको लर्न करने के लिए लिखवा दिया, ये हमेशा ऐसे ही होगा. अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है, लास्ट ईयर भी एबनॉर्मल गुड्स का सेल हुआ था, तो सेल से भी एक्सक्लूड करना उस आइटम को. मतलब ये लर्न मत कीजिएगा आप कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक से ही हटाना है. आपको देखना है लास्ट ईयर एबनॉर्मल गुड्स किन किन आइटम को इफेक्ट कर रखा है, वहां वहां से एबनॉर्मल आइटम्स को हटा दीजिए ताकि नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सके. डन है बात. नंबर सी. नाउ वी विल प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट विथ टू कॉलम्स फॉर या विथ सेपरेट कॉलम लिखो, टू कॉलम की जगह सेपरेट कॉलम्स, विथ सेपरेट कॉलम्स फॉर नॉर्मल गुड्स एंड एबनॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स एंड एबनॉर्मल गुड्स फॉर नॉर्मल गुड्स एंड एबनॉर्मल गुड्स नॉर्मल गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा. बस ध्यान रखना एबनॉर्मल का अगर कोई आइटम इंक्लूडेड है उसको हटा के नॉर्मल का निकालना. नॉर्मल में किसी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल सब नॉर्मल का लेके जीपी मारेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा एकदम जैसे पहले क्वेश्चन हमने बनाए थे. अब नॉर्मल गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय नोट इन एबनॉर्मल गुड्स कॉलम The opening stock shall be taken at cost. ये एक चीज मैं आपको बोलूंगा जो आपको लर्न रखना है, याद रखना है. याद shall be taken at cost instead of its book value.
कॉस्ट पे लेने का एक ही कारण था, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना। आपका मेन मुद्दा प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो आप प्लीज हमेशा इसको कॉस्ट पे बनाइएगा, प्रॉफिट की चिंता मत कीजिएगा। नंबर टू, टू कैलकुलेट शालिनी, दो आपको बनाना ही पड़ेगा, एक में नहीं कर सकते आप, दोनों को अलग अलग करना चाहिए। एक करने के लिए फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट सेपरेटली सोच के प्लेस करना होगा, आप डायरेक्टली परसेंटेज यूज नहीं करेंगे। टू मेक इट इजियर मैं भी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, दो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस इन स्टेप टू, जो लॉस निकालते थे स्टेप टू में, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स शैल बी वैल्यूड एज पर दी डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। As per the direction of the question, अगर question बोलेगा बचा हुआ goods are worth its original cost, हम loss में original cost को ही ले लेंगे। अगर question बोलेगा बचा हुआ goods are worth ₹1,000, मान लो उसकी cost है 1,500, but बोल रहा है are worth ₹1,000, मतलब वो ये बोलना चाहता है कि insurance company जो claim देगा ना, उसके लिए उसका valuation ₹1,000 किया हुआ है, आप उसको उसी हिसाब से value करके ले लेंगे। तो फाइनली लॉस कैलकुलेट करते समय एबनॉर्मल गुड्स का क्या वैल्यू लेंगे वो क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड होगा, वो मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में उसका भी क्लॉज होता है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको बताएगा और आप उसी हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करेंगे। डन है बात? ये हमारा तरीका रहेगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब क्वेश्चन में अबनॉर्मल गुड्स या स्लो मूविंग आइटम्स का इफेक्ट दिया हुआ रहेगा। नेहा, वापस मैं बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन बोले बुक वैल्यू के हिसाब से फाइनल वैल्यू लेना है, फाइनल वैल्यू लॉस के समय, तो भी आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पर बनाओ, मैंने लिख दिया है वो कॉस्ट पर ही बनाओ, सो दैट कैलकुलेशन इजीली हो जाए। और फाइनली जब क्लोजिंग स्टॉक के बाद आप लॉस कैलकुलेट करने जाओ, वहां उस वैल्यू को ले लो जो उसका बुक वैल्यू होना चाहिए। मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा हमको आगे कैसे बढ़ना है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप बुक वैल्यू फाइनली लेना भी चाहते हो तो इनिशियली स्टार्ट करो कॉस्ट से, बुक वैल्यू जब एडजस्ट करो, जो प्रॉफिट लॉस आए वो वहीं एडजस्ट करके खत्म कर दो। मैं दिखाऊंगा कैसे करना है, एक बार के लिए सिर्फ ये चीज ध्यान रख के चलो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जब एबनॉर्मल गुड्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग हमेशा कॉस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। देखो कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। राघव पूछ रहे भैया, ये जो लास्ट ईयर में आपने बोला कि एबनॉर्मल गुड्स का जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो ओपनिंग स्टॉक और परचेज से भी हटाना है, ये एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। राघव मैं बेसिक इतना ही बोलूंगा, अगर कोई चीज तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है, मतलब अनसोल्ड स्टॉक के अंदर आ रहा है, वो कभी ना कभी तो तुमने अक्वायर किया होगा, अगर इस साल अक्वायर किया होगा तो परचेज के फिगर के अंदर होगा, अगर पुराने सालों में अक्वायर किया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक के फिगर में होगा। बिना ओपनिंग स्टॉक या परचेज में आए कोई भी गुड्स क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ नहीं सकता। तो जब तुम क्लोजिंग स्टॉक से एलिमिनेट कर रहे हो तो ध्यान रखना उसका साइमल्टेनियस ओपनिंग स्टॉक या परचेज से भी एलिमिनेशन करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग वहां से भी एलिमिनेट करते हैं। झिलमिल पूछ रही है कि सर लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट में मान लो बोला कि सेल्स के अंदर कुछ एबनॉर्मल गुड्स का भी सेल है, तो सर हम लोग जब जीपी निकालेंगे सेल्स कौन सा लेंगे एबनॉर्मल गुड्स का सेल्स हटाने के बाद? आप सिर्फ नॉर्मल गुड्स का सेल्स और नॉर्मल गुड्स का जीपी लोगे और जीपी रेशियो निकालोगे। यस हर्ष, नॉर्मली अब नॉर्मल गुड्स का जो जीपी मार्जिन होगा वो नॉर्मल गुड्स से कम होगा।
क्लियर है क्या बच्चों? एक बार मेरे बच्चों लिख लो, अभी मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया है, आज क्वेश्चन करके मैं आज क्लास की अंत से पहले अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं लॉस ऑफ स्टॉक वापस कल आपको पढ़ाऊंगा। एक बार पेशेंटली पूरा लिख लो एंड देन मेरे साथ क्वेश्चन करके आगे बढ़ो। डन, आ जाइए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। सारे बच्चे आ जाओ। अभी भी अगर किसी बच्चे को बुक नहीं मिली है जो लाइव कर रहे हैं, डरने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, कोर्स के अंदर इंश्योरेंस क्लेम का पीडीएफ डाला हुआ है, मैं बोर्ड पर दिखा भी रहा हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ट्रैकिंग करते रहो। आपको एक ट्रैकिंग आईडी, ट्रैकिंग का नोट का नंबर मिला होगा, ट्रैकिंग करते रहो कि गुड कब आपके पास बुक्स पहुंच रहा है। ठीक है, ओके। झिलमिल पूछ रही है सर, अगर सेल्स ऑन अप्रूवल वाला केस है तो सर हम लोग जीपी, अगर लास्ट ईयर भी कुछ है, जीपी किस पर निकालेंगे? अगर आपने कंसीडर की, अगर आपने कंसीडर किया है टोटल सेल्स के हिसाब से और फिर जीपी कैलकुलेट, लास्ट ईयर का जीपी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब लास्ट ईयर का जीपी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो एक्चुअल जीपी है, जो आपने एक्चुअल में कमाया है, तो वो आपको लेना है माइनस करके जो आपका सेल्स ऑन अप्रूवल अभी तक इंटीमेट, अभी तक पेंडिंग इंटीमेशन है, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, उसको हटा के आपको जीपी रेशियो निकालना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअल जीपी है। हाँ शालिनी, हो सकता है, बट 99.99% आपको दिखेगा एबनॉर्मल गुड्स का जीपी मार्जिन या एबनॉर्मल गुड्स का प्राइस नॉर्मल गुड्स से कम ही होगा। वो डैमेज्ड है, डिफेक्टिव है, नया गुड्स, अच्छा गुड्स ज्यादा दाम पे बिकेगा, डैमेज गुड्स कम दाम पे बिकेगा, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, आ जाओ। अ फायर ऑकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मेजर्स फायर प्रूफ कंपनी, नाम है फायर प्रूफ कंपनी और आग लग गया ऑन 31st August 2011। इसीलिए किसी ने कहा था नाम में क्या रखा है। डन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द पीरियड 1st April 2011 टू 31st August 2011 यू आर रिक्वेस्टेड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड विद इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है 60,000 का, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ठीक है बच्चे, बच्चे बच्चे सुनना, मैं जो मार्क कर रहा हूं आप वो मार्क करना सीख रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते समय इन चीजों में आपका अंडरलाइन पक्का होना चाहिए, क्लास में पढ़ते समय अंडरलाइन होना चाहिए। मैं ये जो मार्क कर रहा हूं इसीलिए ताकि मेरे को इंपॉर्टेंट चीजें बार बार खोजनी ना पड़े। आपको स्टॉक दिया है एज ऑन 31st March 2011, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, परचेज दिया है, वेजेस दिया है जिसमें कुछ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन का वेजेस इंक्लूडेड है, ये बेकार है हटा देंगे, सेल्स है, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर्स, मालिक लोग कुछ गुड्स लेके गया उसका सेल वैल्यू दिया हुआ है, ये तो ड्राइंग्स हो गया ना, कॉस्ट निकालकर परचेज से माइनस कर देंगे, हमने कर भी रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी ऑन 16th August लाइंग अनसोल्ड विथ हिम, कुछ गुड्स हमने कंसाइनी को भेज रखा है, ये हमारे पास नहीं है, कंसाइनी को भेज रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कुछ गुड्स हमने फ्री सैंपल्स की तरह बांटे, ये सारा अब आपको अच्छे से आता है, ये बेसिक एडजस्टमेंट्स हो गया आपके लिए। आ जाओ अब, वाइल वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2011 लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते समय 1000 were written off in respect of a slow moving item, the cost of which was ₹5000. कुछ हमारे पास गुड्स थे, गुड्स जिसका कॉस्ट 5000 था, हमने लास्ट ईयर उससे 1000 राइट ऑफ किया था क्योंकि उसका मार्केट में वैल्यू कम हो गया था, हमने उसको 5000 से 1000 माइनस करके 4000 पे वैल्यू किया। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर 99,000 की, इसमें
4000 का वैल्यू अब नॉर्मल गुड्स का है और 95,000 का वैल्यू नॉर्मल गुड्स का है और इस 4000 का कॉस्ट है 5000। 4000 का कॉस्ट है 5000। गुड शालिनी, मैं बताऊंगा शालिनी आप कर सकते हैं कि नहीं। शालिनी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। एक शालिनी भी है। वेरी गुड, आ जाओ। अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वेर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2500। इन गुड्स का एक पोर्शन हमने सेल किया है, कितने में? 2500 का कॉस्ट है और लॉस हुआ है 500 रुपया, यानी 2000 में सेल कर दिया। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ वर्थ इट्स एस्टिमेटेड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। जो बचा हुआ है वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट पर रियलाइज हो सकता है। ये जो आपको दिया है ना, ये वाला जो वैल्यू चीज दिया है, ये इंश्योरेंस कंपनी किस हिसाब से उसको वैल्यू करेगी, उसके लिए आपको ये लाइन देता है कि जो बचा हुआ स्टॉक है अब वो अपना ओरिजिनल कॉस्ट रियलाइज कर सकता है। मतलब लॉस के लिए जब आप क्लेम करोगे या लॉस का जब आप कैलकुलेशन करोगे, आप उसको ओरिजिनल कॉस्ट पर अज्यूम कर लेना। डन। आगे, द वैल्यू ऑफ गुड सैलवेज्ड, वैल्यू ऑफ गुड सैलवेज्ड वॉज रुपीज 20,000, सैलवेज वैल्यू 20,000, एवरेज जीपी मार्जिन 20%। अब सुनना, ये जो एवरेज जीपी दिया हुआ है ये नॉर्मल गुड्स का, हाँ, क्योंकि अबनॉर्मल गुड्स तो नॉर्मल प्राइस पे सेल नहीं होता है, उसको तो सस्ते में बेचना पड़ता है, लॉस भी हुआ है, तो ये 20% जीपी नॉर्मल गुड्स के लिए है, इसको अबनॉर्मल गुड्स पे अप्लाई मत करना। सर कहीं बोला ही नहीं है। अरे मेरे भाई, जब वो बोल रहा है लॉस पे बिका है, मतलब इसमें हमने प्रॉफिट अर्न नहीं किया है, तो ये 20% नॉर्मल गुड्स का जीपी है। मैं जो चीजें लिखता हूं ना क्वेश्चन में, वो आपको भी लिखनी चाहिए, सो एज टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन कहां क्या चीज बोलना चाहता है। एक दो बार लिखना सीख जाओगे ना, फिर आदत पड़ जाएगा और तुमको दिखते ही तुम वो लिख दोगे। डन। चलिए हम लोग एक एक काम स्टार्ट करते हैं। मेरा पेज नंबर क्या है? 24, बुक वन, पेज नंबर 24, आंसर टू क्वेश्चन 8, पेज 40। हम लोगों को बनाना है फायर प्रूफ एंड कंपनी के लिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे लास्ट ईयर का, मेरे बच्चे परसेंटेज जीपी ऑलरेडी दे दिया, तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर द पीरियड, पीरियड क्या लूं? 1/4/2011 टू डेट ऑफ फायर 31st August 2011। मैंने दो कॉलम बनाए, नॉर्मल गुड्स का, अब नॉर्मल गुड्स का। आप भी दो कॉलम बनाएंगे, क्वेश्चन बोला नहीं है तो भी बनाएंगे। इससे सामने वाले एग्जामिनर को हर चीज समझ में आता है और आप भी बहुत अच्छे से सीख पाते हो। अब नॉर्मल गुड्स के नीचे मैं कुछ लिख रहा हूं ताकि तुम्हारा मन ना भटके। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक
हाँ झिलमिल आप कर सकते हो, क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हो जीपी हटा के, ठीक है। और शालिनी का एक क्वेश्चन था सर, क्या उसको सेल्स में ऐड कर दे? आप सेल्स में ऐड करोगे ऑपोजिट साइड में जीपी निकलेगा, जब माइनस होगा तो इफेक्ट वही होगा। आप कॉस्ट निकाल के परचेज से लेस करो या सेल में ऐड करो, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। बस फर्क इतना है, जो प्रोपराइटर गुड्स लेके जाता है वो परचेज से लेस होना चाहिए, उसको सेल्स बोल के नहीं दिखाना चाहिए। नॉर्मल अकाउंटिंग पार्लेंस जैसे करते थे, मैं ऐसे ही कराना चाहूंगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ठीक है। आ जाओ मेरे को बताओ नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट कितना? नॉर्मल गुड्स का सर 99,000 का टोटल ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, जिसके अंदर 4,000 का, 4,000 का वैल्यू अब नॉर्मल का है, तो नॉर्मल का सर कॉस्ट निकल जाएगा 95,000। ठीक है, एबनॉर्मल गुड्स मैंने वहां लिख दिया कौन सा वैल्यू लेना है, कॉस्ट लेना है, मैं यहां पर 5,000 ले लिया कॉस्ट। 5,000 आ गया कॉस्ट, ठीक है। यहां पे प्लीज 4,000 मत लेना, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा देर आगे जाने के बाद, इसीलिए 4,000 नहीं लेके 5,000 लेना। आगे चलता हूं, टू परचेज, वेरी गुड खुशी, टू परचेज बताइए 1,70,000। इस साल एबनॉर्मल गुड्स का कोई परचेज नहीं हुआ, जो एबनॉर्मल गुड्स है वो लास्ट ईयर से है, इस साल कोई परचेज नहीं हुआ। ओके, परचेज में कुछ ना एडजस्टमेंट्स थे, मैं सोच रहा हूं एडजस्टमेंट एक साथ कर दूं, चलो एबनॉर्मल का तो है नहीं तो इधर एडजस्टमेंट कर देता हूं, 170 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स, टेकन बाय पार्टनर्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी, सेंट टू कंसाइनी लेस फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स। तीन एडजस्टमेंट है परचेज से रिलेटेड, तीन, कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन बाय पार्टनर बोल रहे हैं, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय पार्टनर 15,000, सेल वैल्यू दिया हुआ है, सेल वैल्यू से 20% जीपी हटा दो, 15,000 माइनस 20% ये हो गया 12,000। कंसाइनी को भेजा 16,500, ये चाहो तो क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हो, फ्री सैंपल 1,500, 1,500 140 गुड्स ड्रॉन 12,500 कैसे आया, 12,500 कैसे आया, 15,000 से 20% जीपी माइनस करूंगा, 20% जीपी, एक बार कैलकुलेटर यूज करें प्लीज। वेरी गुड शेवांग, वेरी गुड, 140 परचेज हो गया। नेक्स्ट वेजेस 50,000 लेस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 3,000, 47,000, 47,000 वेजेस हो गया, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट सेल्स, प्लीज ध्यान से, प्लीज ध्यान से, टोटल सेल्स दिया हुआ है, कुछ नॉर्मल गुड्स, मैक्सिमम नॉर्मल गुड्स और कुछ एबनॉर्मल गुड्स का भी सेल हुआ है, अलग अलग करके लिखो तो आप लोग। नो राजन इट्स नॉट करेक्ट, नो राजन इट्स नॉट करेक्ट, 15,000 सेल्स वैल्यू है, 20% जीपी है ऑन सेल्स, ऑन सेल्स,
तो 15,000 का 20% डायरेक्टली जीपी निकल जाएगा एंड बैलेंस बिकम्स कॉस्ट। यस, कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट में दिया, वेरी गुड सलोनी सर, एबनॉर्मल गुड्स का सेल्स है 2,00,000, टोटल सेल्स 242 माइनस 2,000, तो ये आ गया सर 240, वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है, गुड, आप लोग आगे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ चलो, आगे चलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गलती मत करना, हां कॉन्फिडेंस खराब होता है इससे। अब मेरे को ध्यान से बताना, ध्यान से, सेल्स निकल गया, अब इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल गुड्स का तो जीपी परसेंटेज 20% दे चुका है, 20%, और एबनॉर्मल गुड्स के लिए बोला 500 लॉस में सेल हुआ, 500 लॉस में सेल हुआ, तो इसका लॉस हो गया 500 और इसका प्रॉफिट हो गया 240 का 20%, 240 का 20%। झिलमिल ये देखिए 140 ऐसे आया, माइनस कीजिए आप, अब निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, अब निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। झिलमिल ये 12,500 नहीं है, 12,000 ही है, 15,000 पे 20% प्रॉफिट एलिमिनेट करना है, 15,000 का 20% होता है 3,000, माइनस करोगे तो 12,000 आएगा, 12,500 इज रॉन्ग। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो, मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है नॉर्मल गुड्स का 90,000, एबनॉर्मल गुड्स का 2,500, नो झिलमिल, वेरी 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 बैड झिलमिल, सुनिएगा बात, सेल्स वैल्यू 15,000, प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, मतलब इसी के ऊपर 20%, 3,000, तो कॉस्ट आ गया 12,000, आपको इसका 80% कॉस्ट होगा, आप 120 ले रहे हो विच इज रॉन्ग, प्रॉफिट इज नॉट 20% ऑन कॉस्ट, इट इज 20% ऑन सेल्स। वेरी गुड, अब क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब मैं निकाल रहा हूं लॉस, लॉस अब मैं निकाल रहा हूं लॉस, सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक, नॉर्मल गुड्स का वैल्यू तो 90,000 ही है, एबनॉर्मल गुड्स के लिए क्या बोला है मेरे को बताओ, एबनॉर्मल गुड्स के लिए बोला बचा हुआ गुड्स आर वर्थ इट्स कॉस्ट, क्योंकि वो वर्थ इट्स कॉस्ट है, मैं इसको 2,500 ही ले लूंगा, अगर मान लो बोलता बचा हुआ गुड्स आर 80% ऑफ इट्स कॉस्ट, तो मैं यहां पे 2,500 का 80% करता, वो वैल्यू यहां पर बैठा देता, क्योंकि मेरे को क्लेम उसी के हिसाब से मिलेगा। लेस, इट्स ओके झिलमिल, सैलवेज, लेस सैलवेज 20,000, 72,500 आ गया नेट लॉस।
आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग का एबनॉर्मल गुड्स का कॉलम हमेशा कॉस्ट पे बनाओ, जो वैल्यू में चेंज आएगा ना फाइनल, बोला रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाओ या कॉस्ट पे दिखाओ, वो आप लॉस कैलकुलेट करते समय एडजस्ट कर लो, ताकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय दिमाग अलग दिशा में ना ले जाना पड़े, दिमाग एक ही दिशा पे चले और लॉस अपने उसी हिसाब से निकालेंगे जैसा क्वेश्चन बोलेगा। डन क्लेम। अब मेरे को बताना, पॉलिसी वैल्यू 60,000 का, जबकि स्टॉक हमारे पास है 92,500, सिंस पॉलिसी वैल्यू रुपीज 60,000 इज लेस देन स्टॉक वैल्यू रुपीज 92,500, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में, मेरी तरह नहीं, आप अपनी पूरा लिखेंगे, स्टॉक इज अंडर इंश्योर्ड, स्टॉक इज अंडर इंश्योर्ड एंड सो एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल, एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल, क्लेम इक्वल टू लॉस, लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक वैल्यू, लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक वैल्यू 47,027। नेहा मेरे को आपका डाउट समझ में नहीं आया है, सृष्टि ये देखिए, ये वो गुड्स का आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेल्स वैल्यू, बट हम परचेज से लेस करते हैं तो हमें कॉस्ट लेस करना होता है, तो मैंने सेल से पहले कॉस्ट निकाला, सेल से कॉस्ट कैसे निकालूं, प्रॉफिट माइनस करके, प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ सेल्स, तो 15,000 से 20% कैलकुलेट किया 3,000, बचा जो निकल गया 12,000। क्लियर है क्या सबको? मैं क्यों कॉस्ट पे लेने की बात कर रहा हूं, सो दैट हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बना सके विदाउट एनी हैजल। आप प्लीज ये मत सोचो कि हम रियलाइजेबल वैल्यू पे हम लोग बना नहीं सकते, बना सकते हैं बुक वैल्यू पर, बट फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, विच मे कॉज एग्जाम में सिली मिस्टेक्स। सृष्टि क्लियर है क्या आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे 18 हाँ नेहा अब समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आपको बोलता कि ये जो गुड्स है एबनॉर्मल बचा हुआ, इसको आपको वैल्यू करना है इनकी रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से, और वो अलग से नहीं देती, तो हम लोग यूनिटरी मेथड निकाल लेते, 2,500 का गुड्स 2,000 में बिका, तो बचे हुए 2,500 का गुड्स, लकीली वो भी 2,000 होता, बट अगर कुछ होता तो यूनिटरी मेथड से वैल्यू निकाल लेता जैसा हमारा सेल वैल्यू दिया हुआ है। ओके
अनुष्टा का क्वेश्चन है सर, 99,000 के ओपनिंग स्टॉक से 5,000 लेस क्यों नहीं कर रहे? अनुष्टा क्वेश्चन ने बोला स्टॉक को वैल्यू करते समय हमने 1,000 राइट ऑफ किया था, 1,000 राइट ऑफ करके वो 99,000 वैल्यू आया है। नहीं तो आप ऐसे सोचो, एक्चुअल वैल्यू 99 नहीं होता, 99,000 प्लस 1,000 1,00,000 होना चाहिए। 1,00,000 में 5,000 एबनॉर्मल, 95 नॉर्मल। डन है बात अनुष्ठा? अनुष्ठा क्लियर है क्या? जिनको क्लियर है वो क्वेश्चन 18 पढ़ना चालू करें, हड़बड़ी मत कीजिएगा बनाने के लिए, प्लीज प्लीज मेरे साथ चले। झिलमिल आपका राइटिंग पार्ट कंप्लीट हुआ क्या? तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ना चालू करूं। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसा सोचे, देखो सोचने पर मेरा कंट्रोल नहीं है बच्चों के, कि सर आप जब लाइव क्लास में पढ़ा रहे हो ना, आप सबके डाउट सॉल्व कर रहे हो सर। हम लोग का तो सर कोई डाउट आता ही नहीं, हम तो बिना डाउट के ही कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग को तो सब एक बार में समझ में आ जाता है। बच्चे हो सकता है इस टॉपिक में तेरे को एक बार में समझ में आ गया हो नेक्स्ट टॉपिक में, इसीलिए डाउट हमेशा पेशेंटली सुने। अगर मैं पेशेंटली सॉल्व कर सकता हूं तो तुमको पेशेंटली सुनना है, क्योंकि वो डाउट हो सकता है कल तुम्हारा हो। आज तुमने दिमाग नहीं लगाया तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ना आया हो, बट हो सकता है कल आ जाए, इसीलिए सुन के रखो। क्वेश्चन 18 चले। ऑन 11/11/2007 Premises of Rocky Limited was destroyed by fire. Date of fire. Following information available. ये 11/11/2007 ठीक है। Stock as on 1/4/2006. Stock as on 1/4/2006. Last year का opening stock. Last year का opening stock. Last year का purchase. Last year का sales. Last year का closing stock. ये आपको trading account बनाने में help करेगा, ताकि आप GP calculate कर सको। ठीक है। परचेज दे दिया फ्रॉम 1/4 से 11/11 बिगिनिंग से टिल डेट ऑफ फायर। सेल्स भी दे दिया इस पीरियड का, ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग के काम आ जाएगा। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2007, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते समय, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते समय, ड्यू टू डैमेज 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 22,000 वॉज रिटर्न ऑफ। ध्यान से, अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना है। 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 22,000 वॉज रिटर्न ऑफ। 22,000 जिसका कॉस्ट था, उसका 50% हमने राइट ऑफ कर दिया। 50% यानी अमाउंट वाइज बताऊं, ₹11,000 हमने राइट ऑफ कर दिया। 11,000 हमने राइट ऑफ कर दिया, यानी ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये आफ्टर राइटिंग डाउन 11,000 आया। एक्चुअली होना चाहिए था 2,11,000, 2,11,000 हमने 11,000 राइट ऑफ करके उसको 2,00,000 बना दिया। आगे, इन जून 2007 इस साल 50% ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 5,500। 50% ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड, 22,000 में 50%, 11,000 का स्टॉक हमने सेल किया है कितने में, 50% पे, 5,500 पे, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑब्सोलीट स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द सेम प्राइस, दैट इज 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। जो बचा हुआ गुड्स है ना, वो भी उतना ही रियलाइज करेगा, कितना, 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ध्यान से सुन, 12,000 में 50% माल बेचा, 50% सॉरी 12 नहीं 22,000 में, 22,000 में 50% गुड्स सेल किया, इसका कॉस्ट कितना होगा बोल तो सर, 11,000। बेचा कितने में,
5,500। अगर 11,000 का माल 5,500 में बेच रहा हूं, 11,000 का गुड्स 5,500 में बेच रहा हूं, तो ये 50% रियलाइज कर रहा है, 50%। बोला जो बचा हुआ अनसोल्ड स्टॉक है ना, बचा हुआ अनसोल्ड स्टॉक, वो भी 50% ही रियलाइज कर पाएगा। ये जो आपको वैल्यू दिया हुआ है ना, ये लॉस कंप्यूटेशन करते समय आपके काम आएगा। आप चाहो तो लॉस कंप्यूट करते समय ठीक कर देना, चाहो तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो फाइनली क्लोजिंग स्टॉक निकले उसको ठीक कर देना, दोनों में किसी एक को। बट नॉर्मली किस पे बनाओगे? कॉस्ट पे बनाओगे। आगे, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर सेल्स। बाद बाकी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो यूनिफॉर्म है, सेम है, जो जीपी निकलेगा वही यूज कर लेना। स्टॉक सैलवेज दिया हुआ है 11,500। क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट इन फायर। सिर्फ वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है जो फायर में लॉस हुआ। हम लोग वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल देंगे और लॉस निकाल देंगे, क्लेम तो निकलेगा नहीं क्योंकि पॉलिसी वैल्यू वगैरह दिया नहीं है। तो हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल के लॉस निकालना है। धन्यवाद, चलो स्टार्ट करते हैं। श्वेतम श्वेतम श्वेतम, मैं बात करता हूं आपसे, आप क्या बोलना चाहते हो? मैं समझ गया आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। दिव्या, आपका डाउट मेरे को मिल गया है, मैं 5 मिनट बाद बात करूंगा। यस यस, 11,000 इन कॉस्ट, उसका वैल्यू बोल रहा है, वो भी रियलाइज करेगा 50%, यानी लॉस निकालते समय वो भी 50% ही रियलाइज करेगा। विनीत, मैं वापस बोल रहा हूं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बोला एबनॉर्मल गुड्स भी कॉस्ट पे बनेगा, इसीलिए मैं 22,000 का 50% बोल रहा हूं। मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन दिया है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अबनॉर्मल गुड्स को कॉस्ट पर लेके चलो, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। तुम उसको अगर एज अ डाउट लेके आ रहे हो तो तुम चीज की, तुम प्रॉब्लम के सल्यूशन करने का सोच नहीं रख रहे हो। प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है उसको कितना इजी कर सकूं मैं। अगर मैं कॉस्ट पे ले आता हूं तो सारी चीजें मेरे फिंगर टिप्स में निकल जाएगी, अगर मैं रियलाइजेबल वैल्यू पे ले जाऊंगा तो बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। चलिए, नॉर्मल गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जी, नॉर्मल गुड्स का। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक से चालू करना क्योंकि उसमें कुछ एबनॉर्मल है, फिर मैं एक एक करके ऊपर जाऊंगा। 2,00,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है टोटल,
उसमें एबनॉर्मल गुड्स है 11,000 के। 11,000 कैसे आया? 22,000 को 50% राइट ऑफ किया था, 50% राइट ऑफ किया था, तो बचा हुआ वैल्यू 50% होगा, वो 11,000। ये हो गया 189। अब सुन श्वेतम, सुन मैं क्या बोल रहा था, इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका सिखा रहा हूं, सुनने की कोशिश करो सारे बच्चे, हड़बड़ाओ मत, लिखो मत, एक बार सुनने की कोशिश करो। अगर मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूं, 2,00,000 का मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और बोला 11,000 हमने राइट ऑफ करके ये वैल्यू निकाली है, राइट ऑफ करके ये वैल्यू निकाली है, अगर मैं 11,000 ऐड बैक कर दूं तो ये एकदम नॉर्मल कॉस्ट निकल जाएगा, नॉर्मल कॉस्ट निकल जाएगा। इससे 22,000 माइनस कर दो तो भी घुमा फिरा के मेरे बच्चे यही आएगा। तुम जो 178 प्लस 11 बोला है ना, वो गलत है। ये 11,000 है वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स आफ्टर राइट ऑफ। टोटल में से एबनॉर्मल हटा दिया तो नॉर्मल निकल गया, टोटल में से एबनॉर्मल हटा दिया तो नॉर्मल निकल गया। क्या नहीं समझ आया झिलमिल बताइए। बोल रहा है, ध्यान से मेरा बात सुनिए, बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर राइटिंग ऑफ, आफ्टर राइटिंग ऑफ रुपीज 11,000 इज 2,00,000। ठीक है, अगर मैं बोलता राइट ऑफ नहीं होता, राइट ऑफ नहीं होता तो इन गुड्स का एक्चुअल कॉस्ट कितना होता, जो राइट ऑफ हुआ उसको एड बैक कर दो, रिवर्स कर दो, ये एक्चुअल कॉस्ट निकल जाता, एक्चुअल कॉस्ट। इसमें से 22,000 है किसका, एबनॉर्मल गुड्स का, तो 189 किसका आ जाता, नॉर्मल गुड्स का। बच्चों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है इस लेवल पर, बच्चे ना 2-3-4 तरीके से सोचना ही नहीं चाहते, उनके लिए सम सॉल्व होना ही सब कुछ है। मेरे हिसाब से ये गलत है, सम सॉल्व होना सब कुछ नहीं है। यहां से पूरा 22,000 मैं इसलिए राइट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि 11,000 ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है, ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है, तो मैं 22 वापस कर दूंगा तो डबल हो जाएगा। डन 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 डन, ओके डन। चलिए सेल्स कितना लिखूं, सेल्स लास्ट ईयर में कोई बेकार गुड्स का सेल नहीं था तो 855 नॉर्मल गुड्स, परचेज 520। मैं मान रहा हूं ये जो स्लो मूविंग आइटम है ये पुराना गुड्स है, पुराना गुड्स। अब ओपनिंग स्टॉक 375 माइनस 22 कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट 375 माइनस 22 हमने राइट ऑफ किया था ईयर एंड पे, ईयर एंड पे, तो ओपनिंग स्टॉक में, लास्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में कुछ राइट ऑफ नहीं है तो वहां कॉस्ट हटेगा। अब मेरे को बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखूं, जीपी 171। वेरी गुड जतिन। अब मेरे को बताओ जीपी रेशियो, जीपी रेशियो नॉर्मल गुड्स का 171 बाय 855 इंटू 100। वेरी गुड एवरीवन। 20% शालिनी सबसे पहले, वेरी गुड।
मेरा बच्चा हड़बड़ी में आगे जाने से पहले एक बार इस ट्रेडिंग अकाउंट को वापस देख लो और मेरे इस नोट से प्लीज मैच कर लो, प्लीज मैच कर लो। एक बार प्लीज ट्रेडिंग अकाउंट को मेरे इस नोट से मैच कर लो और चेक कर लो चीजें क्लियर है कि नहीं, ताकि घर में पढ़ते वक्त डाउट ना आए। रोनित शेवांग, वेरी गुड। क्या सबने मेरे इस नोट से ट्रेडिंग को मैच किया है? क्लोजिंग स्टॉक से बुक वैल्यू हटाऊंगा, जो जिस पे आपने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वैल्यू कर रखी है, और ओपनिंग स्टॉक या परचेज से कॉस्ट हटाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से आपने मिला लिया होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर पीरियड 1/4/2007 to 11/11/2007। हर्ष वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बोल रहा है, तुम क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, मतलब जो उस दिन गोडाउन में अवेलेबल था, लॉस कितना हुआ है तो वो सैलवेज माइनस करके निकाल दो। डन है बात? मैं वापस लिख रहा हूं, यस प्रतीक, प्रतीक बोल रहा है सर हम लोग एक काम करते हैं ना सर, यहां पे ना 2 लाख से जो राइट ऑफ हुआ था 11,000, उसको 2,11,000 लिख देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक 211 पर ले लेते हैं इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गुड्स, और यहां पर भी 22,000 इंक्लूडेड रहने देते हैं, तो 22 ओपनिंग 22 क्लोजिंग, तो एबनॉर्मल गुड्स का इफेक्ट खत्म, बिका ही नहीं वो, तो जो सेल्स और जीपी आएगा वो नॉर्मल गुड्स का आएगा। बिल्कुल यही कल आईसीआई के मैट में जो आंसर देखा था वो यही बोल रहा था कि एबनॉर्मल गुड्स का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए जो राइट ऑफ हुआ उसको वापस राइट बैक कर दो और प्रॉफिट निकाल लो, वो नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट आ जाएगा। यहां सिर्फ एक बार गलती होगा, पता है कब? अगर लास्ट ईयर में भी कुछ एबनॉर्मल गुड्स का सेल्स दे देगा, अगर लास्ट ईयर में भी कुछ एबनॉर्मल गुड्स का सेल्स दे देगा ना, तो आप यहां पर गलती कर दोगे। मैंने ये जो मेथड आपको सिखाया है, अब अगर लास्ट ईयर एबनॉर्मल गुड्स का कुछ सेल्स भी हुआ है तो भी आपका गलती नहीं होगा, आपका वो भी सही होगा, इसीलिए आपको ऐसे करना चाहिए। चलो टू ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया 189, ये हो गया 22, मैंने कॉस्ट पर लिया है, कॉस्ट पर, वापस बोल रहा हूं, टू मेक थिंग्स इजी मैं कॉस्ट पर ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन मैं इजीली कर सकूं। टू परचेज, इस साल कोई बेकार गुड्स का परचेज नहीं हुआ है, बाई सेल्स, बट बेकार गुड्स का सेल्स हुआ है। 50% ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 5500, मतलब एबनॉर्मल गुड्स का सेल्स वैल्यू है 5500,
टोटल सेल्स वैल्यू है 435,500, तो नॉर्मल गुड्स का सेल्स वैल्यू कितना होगा? 430। टोटल सेल्स 435,500, जिसमें अब नॉर्मल गुड्स बिका है 5,500 का, तो नॉर्मल गुड्स का सेल 430। अब नॉर्मल गुड्स को बेच के तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 20%, और अब नॉर्मल गुड्स को बेच के लॉस हो रहा है, लॉस। नॉर्मल गुड्स को बेच के प्रॉफिट हो रहा है, अब नॉर्मल गुड्स को बेच के लॉस हो रहा है। ये हो गया 86,000 और यहां लॉस हुआ 5,500। कैसे सर? 11,000 का गुड्स आपने 5,500 में बेचा। 11,000 कैसे सर? 50% ऑफ द गुड्स, 50% ऑफ द गुड्स। वापस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अबनॉर्मल गुड्स का कॉलम हम लोग कॉस्ट पे बनाएंगे टू गेट थिंग्स इजीली, ठीक है? हमारे सारे स्टॉक के आंसर इजीली निकल जाएंगे उससे। गुड शालिनी, अब नॉर्मल गुड्स वाला मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, हमारे पास इनिशियली अब नॉर्मल गुड्स थे 22,000 के, राइट बैक को छोड़कर जिसकी कॉस्ट की बात कर रहा हूं, 22,000 बोला। 50% ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड एट 5,500, 50% ऑफ द गुड्स, 22,000 का 50% 11,000, इसको हमने बेचा 5,500 में, ठीक है? तो सेल्स में आ गया 5,500। अब 11,000 का गुड्स अगर 5,500 में बेचा तो बैलेंस 5,500 क्या हो गया? लॉस हो गया। ये लॉस हो गया, जो बैलेंस बचा वो क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। ठीक है क्या? अब मैं लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ स्टॉक। नॉर्मल गुड्स 186, एबनॉर्मल गुड्स 50% ऑफ कॉस्ट, 11,000 का 50%, 191,500, लेस सैलवेज, लेस सैलवेज 11,500, नेट लॉस 180। सर ये 50% आपने क्यों किया? क्वेश्चन ने बोला बचे हुए गुड्स अब 50% ही रियलाइज कर पाएंगे, तो मैंने लॉस कैलकुलेट करते समय 50% ही वैल्यू ली। वो सैल खुशी इंश्योरेंस कंपनी सालवेज वाला स्टॉक जो बचा हुआ खराब, अब आग लगने के बाद जो बचा स्टॉक है वो लेके जाती है। अगर वो लेके जाएगी तो मैं सैलवेज माइनस नहीं करूंगा। श्वेता,
श्वेतम, ये आपको स्टॉक के आसपास की लाइन पढ़ के पता चलता है कि वो वैल्यू कॉस्ट है कि एनआरवी है कि सेल्स है। ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगा कि स्टॉक की वो हमेशा एनआरवी ही होगी, वो एनआरवी भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, आपको कंटेक्स्ट पढ़ के समझ में आता है वो क्या है। अब बच्चे मेरी एक बात सुनो, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं और वो गलत नहीं है, इंस्टीट्यूट भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। बोला सर आपने यहां पर कॉस्ट लिया चीजों को इजी करने के लिए, ठीक है, बट सर फाइनल वैल्यूएशन तो बोल रहा है ना वो कि 50% पर करना, 50% पर, तो सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, इधर 11,000 नहीं लिखकर 11,000 का 50% क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 5500, लॉस मेरा बढ़ के सर 5500 बेचने पर लॉस और 5500 वैल्यूएशन पर लॉस, टोटल लॉस 11,000 हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप यह बोलते हो सर कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ कॉस्ट में, बट फाइनली सर हमने बचपन से सीखा है क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो सर अगर हम लोग कॉस्ट 11,000 है बट रियलाइज 5,500 होगा तो सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 5,500 ले लो ना, और सर लॉस एडजस्ट कर दो आप, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लॉस हो जाएगा, और फिर फाइनली हम लोग लॉस वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरा काम चीजों को सिंपल करना है तुम्हारे लिए। अब इसमें सही गलत का बात यह होता है कि अगर हमने कुछ ऐसा किया है जो कंस्ट्रक्टिवली लॉजिकली रॉन्ग है वो तो गलत है, बट अगर हम बोल रहे हैं कि 11,000 हमने सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए निकाला है, हम उसके बाद का जो एडजस्टमेंट है वो यहां कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर कोई बच्चा क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना चाहता है फाइनली इनिशियली नहीं, फाइनली कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, वो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉस को एडजस्ट कर देना। लॉस फिर 5500 नहीं बढ़ जाएगा, बेचने पर भी लॉस हुआ, वैल्यूएशन पर भी लॉस हुआ, तो दोनों लॉस आएगा ग्रॉस लॉस में, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। कोई मार्क्स नहीं कटेगा इस पर। शिवम बोल रहे हैं सर अगर क्वेश्चन में 50% ऑफ सेलिंग प्राइस बोलता तो फिर 5500 पे जो बिका था 50% उसका 50% यानी 2750 और गिर गया तो मैं 2750 वैल्यू ले लेता। अजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है, खुद के समझने के लिए लिखो, खुद के समझने के लिए नोट लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स इन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट फुल स्टॉप, हाउएवर द फाइनल लॉस हैज बीन कैलकुलेटेड एज पर द क्वेश्चन या एज पर द रियलाइजेबल वैल्यू गिवेन इन क्वेश्चन दैट इज 50% ऑफ कॉस्ट अनुष्टाप, वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पढ़ाते समय सब पढ़ाना पड़ता है, बट हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग एक मेथड यूज करेंगे ताकि बार बार हम लोगों को अलग अलग चीज याद ना रखना पड़े। क्लास में इतना दिमाग लगाओ कि सारा चीज जो हो सकता है वो सीख लो,
फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओ, फॉर एग्जाम लास्ट 2 महीना, लास्ट 2 दिन बिफोर द डेट ऑफ एग्जाम हमेशा एक ही तरीका प्रैक्टिस करो ताकि उस पर हाथ बैठ जाए और वो तुम अच्छे से कर सको। वो याद है चांदनी चौक टू चाइना का एक डायलॉग, मुझे तुम्हारे उन 500 शॉट्स से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, बट उस शॉट से डर लगता है जो एक शॉट तुमने 500 बार प्रैक्टिस किया है। दैट इज दी एक्चुअली दी मेन थीम ऑफ प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन 18 हो गया, 17 हो गया, 16 आपका होमवर्क रहेगा, 16 आपका होमवर्क रहेगा। मेरे हिसाब से 16 होमवर्क लेते ही आपके सारे क्वेश्चन लॉस ऑफ स्टॉक के कंप्लीट हो गए होंगे। 18 मैंने अभी करवाया, 16 होमवर्क दे दिया और 8 नंबर भी हमने आज कर लिया। एक बार बच्चों अगर आपने ये टिक नहीं कर रखा तो कर लो, आप बहुत काम आएगा आपको आगे। सर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी खत्म क्या? बिल्कुल खत्म। एक क्वेश्चन मैं अब आपसे करवाना चाहता हूं। आपको एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक मिला होगा, ऐसा एक छोटा सा शीट मिला होगा, ऐसा एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक मिला होगा। अगर किसी को नहीं मिला है प्लीज आप ले लीजिएगा, मैंने सबको दिया है। अगर कोई दिन अवेलेबल नहीं हो, छूट जाए, तो आप प्लीज ये कलेक्ट कर लेना। अब एडिशनल आईसीआई क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मैंने इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर से और दिए हैं। आईसीआई ने मैट में कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए थे या पास्ट एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो बच्चों को लगा था कर लेना चाहिए था क्लास में, वो मैंने इंक्लूड कर दिया क्लास की मैट में, मेन मैट में इंक्लूड नहीं करके। इसका आपको एक हैंड आउट गया होगा, 7, 8, 9, 10, 11। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा, धन्यवाद। आपको करना है अच्छे से घर पे और आप कर पाएंगे, बिल्कुल राइट करेंगे। इसमें भी नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स का खेला है। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्टार मार्क करेंगे, छोटू सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन नंबर 8 आप स्टार मार्क करेंगे। मैं आपको 3:10 हुआ है, 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, 10 मिनट्स आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में आंसर देना है। जिस बच्चे का चैट बॉक्स में पहला सही आंसर होगा, सही बोल रहा हूं सही, उस बच्चे को मैं 500 रुपीज का इनाम दूंगा, 500 रुपीज का इनाम दूंगा वाया पेटीएम। डन है? अगर आपके पास पेटीएम नहीं है सेंटर आके मेरे से कलेक्ट कर लेना, बट मैं आपको 500 रुपीज का इनाम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके हवाले, 10 मिनट आपके है, जो करना है जैसे करना है करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। डन, 10 मिनट्स का टाइम। ओ यश, नहीं मिला है स्टे हेड वाले बच्चों को, सही बोल रहे हो यश, नहीं मिला है। आप यहां से देख के करो, 10 मिनट्स का टाइम, 500 का कैश प्राइस, जो बच्चा सबसे पहले चैट में आंसर देगा वो भी करेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करें आप।
टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप सर, टाइम्स अप हो गया। आप लोगों को 10 मिनट दिया था मैंने, अब छोड़ दो सब पेन वगैरह, हो गया छोड़ दो, और अपने लाइफ का 10 मिनट रिवाइंड करके सोचो। क्या आप में से किसी ने सोचा कि आज क्लास में कुछ नया सीखने मिलेगा? क्या हम लोग कुछ नया सीखेंगे? सब वो 500 रुपए की दौड़ में लग गए हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बच्चों ने आंसर किए हैं, एंड मजेदार बात यह है कोई भी बच्चे का आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब मैच इन द सेंस कोई भी बच्चे का आंसर सेम नहीं है, सारे बच्चों के आंसर डिफरेंट है। अगर आप मेरे से पूछोगे सर आंसर क्या है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मैं आपके सामने करूंगा और हम लोग आंसर निकालेंगे। मैं कभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं आता और मेरे को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम रहता है। डन, पहले बताइए क्या सारे बच्चे रेडी है मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स आप अपनी कॉपी पेन को हाथ नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और मैं जो बोल रहा हूं उस बात को सुनेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ 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 ये जो लाइन आपको दी थी इसने आपके पूरे क्वेश्चन को एक अलग लेवल पर कर दिया, और उसी के कारण आप सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल अलग 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 आ रहे हैं। डन, मैं डिस्कस करना चालू करूं क्या? ओके, नो इश्यू, 128 में आपका आंसर मान लेता हूं, चलिए, बट 128 जिसका पहले आएगा उसको मिलेगा कैडबरी या 500 जो भी रिवॉर्ड है। डन, सुनना ध्यान से, हर बच्चा कॉपी पेन साइड कर दो और सिर्फ मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन का मजा क्या था और ये दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों था पता है? यहां पर जो जीपी परसेंटेज लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करके हम लोग जो करेंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस बोला है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने बोला कि करंट ईयर के जो प्राइसेस है, परचेज प्राइस एंड सेल्स प्राइस, वो चेंज हो गए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, और अगर परचेज प्राइस सेल्स प्राइस मेरे बच्चे चेंज होगा तो जीपी मार्जिन कभी भी सेम नहीं रह सकता। बस इस क्वेश्चन में तुमको यही करना था कि नए करंट ईयर का जीपी मार्जिन क्या था। अगर किसी बच्चे ने करंट ईयर का जीपी मार्जिन सही से निकाल लिया तो उस बच्चे का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, उस बच्चे का आंसर रॉन्ग हो ही नहीं सकता। सिर्फ इतना सही काम करना था, करंट ईयर का जीपी मार्जिन सही से कैलकुलेट करना था। स्टार्ट करूं मैं, सुनना ध्यान से, चचा पीछे चले जाओ, आ जाइए। मैं क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करूंगा, पेज नंबर ये चल रहा था 26 हो गया कंप्लीट, पेज नंबर 27, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, एडिशनल क्वेश्चन बैंक। मेरे को सबसे पहले वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ जीपी मार्जिन ऑफ लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ जीपी मार्जिन ऑफ लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर, ठीक है। मैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर था 2012, आगे चलता हूं, बाद में बात करूंगा खुशी, एक बार मैं कोई बात नहीं करूंगा। टू ओपनिंग स्टॉक 40,000, आगे स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ऑन 1 जनवरी 2013, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, नेक्स्ट
परचेज दे दिया लास्ट ईयर का 80,000, आगे सेल्स दे दिया लास्ट ईयर का 120, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, तो अगर मैं माइनस करके कैलकुलेट करूं 60,000 आ जाएगा। एक बार सारे बच्चे प्लीज चेक करो, लास्ट ईयर का जीपी 60,000 आया क्या सबका? एक बार यहां तक आने के बाद सारे बच्चे चेक कर लो 60,000। तो अगर मैं जीपी मार्जिन कैलकुलेट करूं, लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, 50% प्रॉफिट मार्जिन है ऑन सेल्स, 50% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स। यहां तक सभी बच्चों का आंसर राइट हुआ होगा, एक भी बच्चा मेरा गलत नहीं कर सकता आंसर, एक भी बच्चा। अगर यहां पर किसी ने गलती की है तो उसने सिली मिस्टेक की होगी, विच इज एकदम नॉट एडवाइसेबल, एकदम नॉट एडवाइसेबल, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। डन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जीपी मार्जिन था लास्ट ईयर का, करेंट ईयर जो है ना, करेंट ईयर उसमें ना परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस में चेंजेस हुई है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है परचेज प्राइस जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो 10% से बढ़ गया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर किसी चीज का दाम 100 रुपए था, इस साल उस चीज का दाम कितना हो गया? 110। एंड सेलिंग प्राइस भी बढ़ा है 5% से, 10 रुपए से 10% से बढ़ा परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ा 5% से। अगर परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस चेंज हो जाए तो क्या जीपी मार्जिन वही रह सकता है जो लास्ट ईयर का था? नहीं, मतलब करेंट ईयर में जीपी मार्जिन विल चेंज, करेंट ईयर में जीपी मार्जिन विल चेंज। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करंट ईयर का जीपी मार्जिन कैलकुलेट करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां आपने गलती की होगी या जहां आप सोच नहीं पाए होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, 2016 की अगर बात करूं, सॉरी 2016 नहीं, 2000 क्या है, 12, 2012 की अगर बात करूं ना, तो कुछ ऐसा चल रहा है, सेल्स 100 अगर है, जीपी इसका 50%, और कॉस्ट की अगर कोई मुझसे बात करेगा तो बैलेंस हो जाएगा कॉस्ट विच इज 50। ये 2012 का एग्जिस्टिंग हालत है। अब मैं आता हूं 2013 के ऊपर, 2013 के ऊपर, 2013 में मैं जब जीपी मार्जिन कंप्यूट करने जाऊंगा या प्रॉफिट कंप्यूट करने जाऊंगा ना, मेरे बच्चे मेरे को प्रॉफिट दो पार्ट में कंप्यूट करना होगा, दो पार्ट में, ओपनिंग स्टॉक के लिए अलग, 2013 के परचेज के लिए अलग। ये कैसे सर, ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया सर। हम लोग तो सर कुछ ऐसे किए थे, सुनिए ना सर, 105% बढ़ा, 105, ये कॉस्ट 10% बढ़ा, 50 से 10% बढ़ा, 55, तो सर इस साल का जीपी आ गया बैलेंसिंग फिगर 50 रुपीज, 50 रुपीज ऑन अ सेल ऑफ 105। तो सर इस साल का अगर जीपी मार्जिन कोई पूछेगा तो 50/105। मैं बिल्कुल 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 तेरे से अग्री करता हूं, बट तेरे को यह समझना होगा, जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक वो तो लास्ट ईयर हमने परचेस किया था, लास्ट ईयर, हां या ना, लास्ट ईयर परचेज किया, उसका कॉस्ट इस साल बदल नहीं सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी परचेज्ड है। उसमें जो इंक्रीज होगा, जो चेंज होगा, वो सिर्फ सेलिंग प्राइस का होगा, वो कॉस्ट का चेंज नहीं होगा। तो ओपनिंग के लिए अगर मेरा बात सुनो, 100 हो जाएगा 105,
बट द कॉस्ट विल रिमेन 50 ओनली, तो इसका जो जीपी हो जाएगा वो पता है कितना हो जाएगा, 55 रुपीज, 55 ऑन अ सेल ऑफ 105 या 55 ऑन अ कॉस्ट ऑफ 50, जो तुमको लेना है ले लो, मेरे को दोनों से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ध्यान से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। करेंट ईयर का जब जीपी मार्जिन मैं कैलकुलेट करूंगा, करेंट ईयर का जीपी मार्जिन मुझे दो पार्ट्स में निकालना होगा। एक जो लास्ट ईयर वाला माल था ओपनिंग स्टॉक, वो इस साल बिका होगा, एक जो इस साल खरीदा हुआ माल ही इस साल बिका होगा। जो खरीदा है उसकी कॉस्ट इस साल बढ़ी है, बट जो लास्ट ईयर से हमारे पास था उसकी कॉस्ट थोड़ी चेंज होगी, उसकी कॉस्ट तो वही रहेगी ना जो मैंने लास्ट ईयर में परचेज किया था। यहां पे 10% इंक्रीज होगा मान लिया, बट यहां पे देयर कैनॉट बी एनी इंक्रीज बिकॉज ये तो लास्ट ईयर का स्टॉक इस साल कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। तो जब मैं इस साल की एप्लीकेबल जीपी रेशियोज की बात करूंगा या एप्लीकेबल जीपी मार्जिन की बात करूंगा, मैं जीपी दो पार्ट में कैलकुलेट करूंगा, दो पार्ट में, ओपनिंग स्टॉक का जीपी अलग और करेंट ईयर सेल्स का जीपी अलग। अभी जो मैं समझा रहा हूं वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए समझा रहा हूं। फाइनल आंसर जब करवाऊंगा ना, दो दो तरीके से कराऊंगा, जो दूसरा वाला तरीका होगा वो बहुत सिंपल होगा, बट मैं डायरेक्टली सिंपल में जाना नहीं चाहता। पहले मैं तुम्हारे साथ एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं कि देख कहां कहां तुम सोच नहीं पा रहा है। साक्षी एक बार और समझाऊंगा बट हड़बड़ी नहीं, पहले मेरे साथ आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये डायग्राम देख के ही सब समझ में आ जाएगा, क्यों बोलने का जरूरत है। एकदम सिंपल मैंने बात की, 100 रुपए का सेल्स अगर 2012 में हुआ, उसके ऊपर 50% जीपी है जो आपने कैलकुलेट किया, तो 100 रुपए के ऊपर 50% मतलब 50 रुपया जीपी, तो कॉस्ट भी हो गया 50 रुपया। अब जब 2013 में माल बिकेगा, बोल रहा है सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई 5%, कॉस्ट इंक्रीज बाई 10%, बट जब मैं बात करूंगा ओपनिंग स्टॉक वाले गुड्स की, उसका कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मैंने लास्ट ईयर ही परचेज कर लिया था, वो इस साल परचेज थोड़ी किया है, उसका कॉस्ट रहेगा सेम। सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा बाई 5%, तो उस पे भी जीपी मार्जिन का चेंज निकालना होगा। और यह चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मेरे को पता है कोई बच्चे ने सोचा नहीं होगा। अब इसके बाद भी बहुत कुछ है, पहले मैं तुमको पूरा तरीका समझाऊंगा, फिर मैं तुमको शॉर्टकट सिखाऊंगा एग्जाम में आता तो कैसे करते, बट पहले मेरे साथ पूरा तरीका सीखने का। क्लियर है यहां तक बच्चे? डन। अब चल, अब मैं बनाऊंगा पेज नंबर 28। अब मैं बनाऊंगा इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और मैं एक अजम्पशन लिखूंगा जो आप लोगों को लिखना है मेरे साथ, आप लोगों को लिखना है मेरे साथ, सारे बच्चे लिखेंगे वो अजम्पशन। एक अजम्पशन, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड, वंडरफुल। फीफो बेसिस मतलब मैं मानूंगा इस साल जो सेल्स हुआ है, सेल्स पहले लास्ट ईयर वाला गुड्स बिका है फिर करेंट ईयर वाला गुड्स बिका है, ये अजम्पशन इसलिए जरूरी है, अगर मेरे को पता नहीं रहेगा कौन सा गुड्स एग्जैक्टली बिका है तो मैं सही ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मेरे को ये अजम्पशन लेना होगा। हो सकता है एग्जाम में इंस्टीट्यूट खुद लिख दे फीफो बेसिस फॉलो करना इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, लीफो नहीं बोलेगा, फीफो ही बोलेगा। धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं टू ओपनिंग स्टॉक, कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखते जा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 60,000, टू परचेस 2013 का 176,
बाई सेल्स, बाई सेल्स 2013 का 2,10,000। नेहा अजम्पशन हम लोग वेटेड एवरेज लेते हैं, ऐसा किसी ने बोला नहीं है। वेटेड एवरेज इज द मोस्ट फॉलोड स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, बट यहां पे आप वो वेटेड एवरेज कर नहीं पाओगे, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें फीफो अज्यूम करना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे बच्चे, सारा काम ये ग्रॉस प्रॉफिट को सही से निकालने का है। अभी तक क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट बहुत सिंपली निकल जाता था, 2,10,000 पे सीधा हम लोग 50% मारते और ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ जाता। बट इस क्वेश्चन में ये मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? इसलिए नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इस क्वेश्चन में जो जीपी मार्जिन है वो दो अलग अलग है, करंट ईयर के लिए अलग और लास्ट ईयर परचेज के लिए अलग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सिखा रहा हूं। ये जो मेथड है, ये मेथड लंबा है, बट ये तुमको सिखा रहा है, इसके बाद शॉर्टकट आएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के ऊपर, ओपनिंग स्टॉक ध्यान से, कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 60,000, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसके ऊपर प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, कॉस्ट अगर मैं यहां देखूं, यहां इस में देखूं, कॉस्ट कितना है? 50। प्रॉफिट कितना? 55। अगर मैं बोलूं कॉस्ट 50 है यानी 60,000, तो अगर किसी बच्चे को 55 कैलकुलेट करना हो तो क्या आप कर पाओगे? सर यूनिटरी मेथड, 60,000 विच इज इक्वल टू 50 इंटू 55, तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा सर प्रॉफिट का, 60,000 बाई 50 इंटू 55, विच कम्स टू 72,600, विच कम्स टू 72,600। तो मेरा सेल्स वैल्यू कितना हो गया? सेल्स वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सेल्स वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये निकल गया 132,600, 132,600। मैं चीजों को सिंपल रखना चाहता हूं, इसीलिए एक एक बात लिख रहा हूं। अगर कोई बच्चा बैठ के कॉपी कर रहा है वो बेवकूफ है, सुनने की कोशिश कर। अगर मैं यहां पे नया जीपी जीपी मार्जिन चेक करूं, सेलिंग प्राइस हो गया 100 का 105, कॉस्ट उस साल कॉस्ट मेरा 50 ही है क्योंकि वो लास्ट ईयर से सेम कॉस्ट है, लास्ट ईयर से ही स्टॉक आ रहा है, तो प्रॉफिट 55। अगर किसी बच्चे को मैं बोला 60,000 का कॉस्ट है विच इज इक्वल टू 50, तो प्रॉफिट 55 कितना होगा? 72,600। अगर तुम इसको चेक करोगे ये 105 के बराबर होगा। कैसे? 60,000 बाई 50 इंटू 105 करो, देखो ये आता है कि नहीं, देखो ये आता है कि नहीं। ये मेरा निकल गया ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट और सेल्स वैल्यू। अब अगर मैं बैलेंस गुड्स की बात करूं, बैलेंस गुड्स, ये बैलेंस गुड्स कहां से बिका होगा? करंट ईयर परचेस, करंट ईयर परचेस। सबसे पहले सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू, टोटल सेल है 2,10,000, उसमें से 132,600 लास्ट ईयर का है, 2,10,000 उसमें से 132,600 लास्ट ईयर वाले गुड्स का है, तो इस साल के गुड्स का सेलिंग प्राइस कितना? 77,400। इट इज इक्वल टू 105, इट इज इक्वल टू 105। मेरे बच्चे 105 ये रहा सेल्स। क्या तुम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे विच इज 50? क्या तुम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे 50? सर बिल्कुल कर देंगे सर, प्रॉफिट आ जाएगा सर 77,400 विच इज इक्वल टू 105। तो सर 50 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो होगा, 50 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो होगा 36857, वो होगा 36857, 36857। मैंने ये गलती किया है क्या? एक बार रुक जाओ ना, सलोनी बोल रही है सर आपका कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे कैलकुलेशन में कैलकुलेटर ने कुछ मिस्टेक कर दिया।
126, कोई बात नहीं, 126 मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से करो, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 126, 2,10,000 माइनस 126, 84,000, 84,000, और ये निकल जाएगा 84,000 बाय 105 इंटू 50, 40,000 इंटू 50, 40,000। थैंक यू सलोनी, थैंक यू शालिनी, थैंक यू सलोनी। मेरा ये कैलकुलेशन में कुछ 55 की जगह मैंने कुछ और प्रेस कर दिया तो वो 72,600 हो गया, शायद 65 कर दिया होगा। क्या टोटल प्रॉफिट कितना है आप बता पाओगे? सर ओपनिंग स्टॉक वाले को बेच के 66,000, करंट ईयर वाले में से बेच के 40,000, तो 66 प्लस 40, 66 प्लस 40, 1,06,000, 1,06,000। क्या बच्चे अब क्लोजिंग स्टॉक निकाला जा सकता है? क्या बच्चे अब क्लोजिंग स्टॉक निकाला जा सकता है? क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा 1,32,000, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा 1,32,000, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा 1,32,000। मजेदार बात सिर्फ इतना ही हुआ मेरे बच्चे, अब मैं डायरेक्टली जीपी परसेंटेज नहीं मार पाया क्योंकि अब जीपी दो गुड्स का अलग अलग, लास्ट ईयर वाले गुड्स का जीपी अलग, करंट ईयर वाले गुड्स का जीपी अलग, तो अब मेरे को जीपी दो पार्ट में कैलकुलेट करके बैठाना पड़ा। 132, 132। आगे मेरे को क्या बोला? आगे तो सिर्फ सैलवेज दिया हुआ है, सैलवेज माइनस कर दो, आगे सिर्फ सैलवेज दिया हुआ है, सैलवेज माइनस कर दो। देयरफॉर लॉस इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉक 132 लेस सैलवेज 4,000, 128 नेट लॉस। यही क्लेम भी हो जाएगा क्योंकि पॉलिसी वैल्यू वगैरह नहीं दिया हुआ है। जरूर समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा वापस मल्लिका, डोंट वरी। सबसे पहले 128 आया, शिवम का आया, सबसे पहले 1,28,000 श्वेतम का आया था, श्वेतम सबसे पहले 128 श्वेतम का आया था। अब श्वेतम ने ऐसे किया हो या कैसे भी किया हो, श्वेतम देख लेना तूने सही किया है ना, बट तुम रिवॉर्ड के हकदार हो। 128 तुम्हारा जो आया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चे का यही डाउट है, सर 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 ये जीपी वापस समझाओ ना, ये कैसे हो गया सर, ये कैलकुलेशन सर थोड़ा सा टफ हो गया हम लोगों के लिए, आओ वापस समझाता हूं। मेरे बच्चे तुमको ये देखना है, खुशी मैं आपके आपके तरीके पर आऊंगा और वही हमारा शॉर्टकट तरीका रहेगा। खुशी वेरी गुड, वेरी गुड। खुशी जीपी को इंक्रीज नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करेंगे। वेरी गुड श्वेतम, वेरी गुड। पहले मैं ये तरीका सिखाना चाहूंगा, भले ही ये तरीका लॉन्ग है बट ये तरीका बहुत नॉलेज एनहांसिंग है। यहां पे आप चीजों का परसेंटेज के साथ खेलना सीख रहे हो, सुनना।
मल्लिका सुनिएगा, जीपी वाला कैलकुलेशन समझा रहा हूं और सब लोग वापस सुनो, ये कैलकुलेशन आगे भी चैप्टर्स में आएंगे तो मेरे को यूज लगेगा, अभी सीख लो, डन। अगर कोई 2012 के बारे में बात करे, 2012 में जीपी परसेंटेज आया, जीपी ऑन सेल्स 50%, तो अगर 100 रुपए का सेल्स है उसके ऊपर 50% अब लोग प्रॉफिट कमाते हैं, 100 रुपए का सेल्स 50% प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना होगा 50, प्लीज माइनस होता है प्लस मत कर देना, 100 रुपए का सेल्स, 50 रुपए का जीपी, 50 रुपए का कॉस्ट। अब 2012 से 2013 में देयर इज अ चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज इन सेलिंग प्राइस, द कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 10% वेयर एज द सेलिंग प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 5%, तो सेलिंग प्राइस 100 से कितना हो गया 105। सर आपने ये दो कॉलम क्यों बनाया? इसलिए बनाया, ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऑलरेडी लास्ट ईयर खरीदा हुआ है, उसका कॉस्ट चेंज नहीं हो सकता, बट जो करेंट ईयर में परचेज हुआ है उसका कॉस्ट चेंज होगा। अगर दो चीज का कॉस्ट अलग है, सेलिंग प्राइस रिमेनिंग सेम, दोनों का जीपी मार्जिन अलग अलग होगा, कभी सेम नहीं होगा, इसीलिए दो बार कैलकुलेट किया, डन। 100 से 105 हो गया, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट वही लास्ट ईयर वाला 50, क्योंकि लास्ट ईयर ही खरीदे थे, अब 105 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट अगर 50 है तो जीपी कितना हो जाएगा 55, जीपी इज 55 ऑन अ सेल्स ऑफ 105 और ऑन अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 50, जीपी निकल गया 55। आप इसको परसेंटेज मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा, 55% नहीं हो सकता, वो 55 इज जीपी ऑन 105 का सेल्स, तो 55/105 इज द जीपी परसेंटेज, नॉट 55/100। नेक्स्ट, 100 रुपए की सेल्स अब हो गई 105 रुपए की और कॉस्ट 10% बढ़ गया, यानी 50 वाला कॉस्ट हो गया 55 रुपए, तो इधर अगर सेल्स 105 है, कॉस्ट 55 है, तो अभी का जीपी कितना हो गया 50, 50 नॉट ऑन अ सेल्स ऑफ 100, 50 ऑन अ सेल्स ऑफ 105। पहले यह समझ में आना चाहिए सारे बच्चों को, यह समझ में आना चाहिए सारे बच्चों को। यस शिवम, आप सेकेंड हो गए, कोई बात नहीं शिवम, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया एंड वेरी गुड। अब आगे आ जाओ, मेरे को अब इस साल का जीपी निकालना है, मेरे को सेल्स दे दिया 210,000 में। प्रॉब्लम क्या है, 210,000 में कुछ सेल्स इनका हुआ होगा और कुछ सेल्स इनका हुआ होगा, जब तक मेरे को एग्जैक्टली बता नहीं देता तब तक मेरे को जीपी कंप्यूट करने के लिए एक अजम्पशन लेना पड़ा कि हमारा स्टॉक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मूव कर रहा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलता है पहले ओपनिंग स्टॉक पूरा बिकेगा, पहले ओपनिंग स्टॉक पूरा बिकेगा फिर परचेज में से सेल होगा। तो मैंने माना ओपनिंग स्टॉक पूरा का पूरा इस साल सेल हो गया, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट है 60,000 विच इज इक्विवेलेंट टू 50, विच इज इक्विवेलेंट टू 50। अगर मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है विच इज 55, तो यूनिटरी मेथड 50 बराबर 60,000, तो 55 बराबर कितना 60,000/50 × 55 विच इज 66,000, 60,000 का कॉस्ट, प्रॉफिट 66,000, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 126, सेलिंग प्राइस 126, तो इस 210,000 में 126 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अगर मैं बचे हुए गुड्स का सेल्स देखूं, बचे हुए गुड्स का सेल्स हो गया 84,000, अब 84,000 सेल्स इस बराबर 105, अगर कोई पूछे प्रॉफिट कितना है उस पर, तो 50 आप निकाल सकेंगे वापस यूनिटरी मेथड, 84,105 का, तो 50 बराबर कितना 84,000/105 × 50 आ जाएगा 40,000। अब टोटल जीपी लिख दो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, टोटल जीपी लिख दो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। कोई बच्चा है क्लास में जिसको अब यह समझ नहीं आया हो, बच्चे मेरे पास एक बहुत सिंपल मेथड है इसको कराने का जो श्वेतम वगैरह ने यूज किया है, बट मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पहले मैं तुमको कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस या डेप्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले यह समझ लो फिर शॉर्टकट सीख लेना। मल्लिका क्लियर है क्या आपको ये क्वेश्चन? रीडू होना चाहिए, रीडू वापस घर पे करना है आपको। ये हो गया मेरा पहला तरीका लॉन्ग कट। अब देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट 29 सुनना, शॉर्टकट
हमारे पास लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन है ना 50%, हम लोग एक काम बहुत सिंपली कर सकते हैं, इस साल का जो प्राइस चेंज है उसको, प्राइस चेंज को इग्नोर करके सारे प्राइसेस को लास्ट ईयर के प्राइसेस में कन्वर्ट करके 50% के हिसाब से निकाल ले प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, फिर वापस उसको सही प्राइस पर रीस्टेट कर दे। क्या बोले सर? सुनो, मेमो ट्रेडिंग अकाउंट, मेमो ट्रेडिंग। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर के प्राइस के हिसाब से है 60,000। टू परचेज, परचेज कितना है मेरे बच्चे? परचेज है 1,76,000। ये 1,76,000 करेंट ईयर के प्राइस के बेसिस में है। करेंट ईयर प्राइस इंक्रीज किया है बाई 10%, मतलब दिस इज इक्वल टू 110। अगर मैं इसको लास्ट ईयर के प्राइस में कन्वर्ट कर दूं, कितना हो जाएगा? 160 ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्राइस, ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्राइस, ताकि मैं जीपी सीधा 50% निकाल सकूं। सेल्स, सेल्स दिया हुआ है 210,000। ये 210,000 बता बच्चे कैसे निकला होगा? ये 210,000 निकला होगा 5% प्राइस इंक्रीज करके। अगर मैं बोलूं ये प्राइस इंक्रीज ना होता, सर अगर प्राइस इंक्रीज ना होता, अगर लास्ट ईयर ये बिकता तो सर ये 200,000 में बिक गया होता। कितने में बिक गया होता? 200,000 में बिक गया होता। 210,000 बाई 105 × 200। इसके ऊपर हम फिर कमाते कितना? सर इसके ऊपर हम लोग 50% कमाते हैं। 50% 50%, 200,000 का 50%, 100,000 आ गया जीपी। अब अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल लूं, क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा बताओ? ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे बच्चे एट लास्ट ईयर्स प्राइस है, लास्ट ईयर्स प्राइस। अगर मैं ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहूं तो कैसे निकल जाएगा? 60 + 160 + 1,00,000 - 2,00,000, 1,20,000 क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। 1,20,000, बट ये लास्ट ईयर का प्राइस है, लास्ट ईयर का। तो अगर मैं बोलूं देयरफोर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऑन करेंट ईयर प्राइस, इस साल प्राइस 10% बढ़ा है, कॉस्ट 10% बढ़ा है, 1,20,000 + 10% 1,32,000। और मेरे बच्चे जाके देख हमारा ऊपर भी आंसर कितना आया था? 1,32,000। सर उतना करवाए क्यों आप? सिखाने के लिए। मैं क्लास में टाइम वेस्ट करने नहीं आता हूं, मैं क्लास में नॉलेज इनहांस करने के लिए आता हूं। ये मैं चाहता तो 10 मिनट में करके आपको आंसर निकाल के खुश कर देता, आप बोलते वाह कितना मजा, कितना इजी। बट मैंने आपको वो जीपी कैलकुलेट करना इसलिए सिखाया क्योंकि वैसा जीपी आपको दूसरे चैप्टर में भी देखने मिलेगा। शॉर्टकट मेथड, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्राइस, ताकि हम लोग 50% को डायरेक्टली यूज कर सके, जो जीपी परसेंटेज निकाला। अब जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा ये लास्ट ईयर के प्राइस के हिसाब से, इस साल प्राइस 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो 120 + 10%। क्लियर है क्या बच्चा लोग, चच्चा लोग? क्लियर है क्या एवरीवन? कैसा लगा आपको क्वेश्चन? यस शिवांग, शॉर्टकट एग्जाम में बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ध्यान रखिए, झिलमिल बोल रही है सर 5% आपने इंक्रीज क्यों नहीं किया? 5% सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुआ है, ये तो मैं कॉस्ट निकाला, कॉस्ट सेलिंग प्राइस पहले इसके ऊपर 50%, फिर उसके बाद 5%।
वो तो बहुत हाई होगा, ये कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट, 50% सॉरी 50% तो सेल्स पे था 1/2, तो कॉस्ट के ऊपर 100% प्रॉफिट। उसके बाद 1,20,000 को मेरे को 100% 240 उसके ऊपर 5%, वो तो एनआरवी बहुत ऊपर चला जाएगा। मेरे को तो सिर्फ कॉस्ट के ऊपर 10% करना है, सेल्स के ऊपर नहीं। हर्ष 10% इसलिए बढ़ाया, ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये लास्ट ईयर के प्राइस के हिसाब से किया है, लास्ट ईयर के प्राइस के हिसाब से। इस साल तो प्राइस 10% बढ़ गया ना, अगर 10% बढ़ गया है तो मेरे को इस साल की कॉस्ट निकालने के लिए 10% इंक्रीज करना पड़ा। झिलमिल, आप इसको ज्यादा पर बेच पाओगे, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको रियलाइजेबल वैल्यू का क्लेम कभी नहीं देगी। अब फिर क्लेम कॉस्ट के हिसाब से मिलेगा, जब हमारा डैमेज गुड्स कम पे, जो डैमेज गुड्स है जब वो कम रियलाइज कर रहा था तो आपने उसको हमेशा कॉस्ट पर क्यों लिया, समझो बात को। इंश्योरेंस कंपनी आपके सेलिंग प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू को नहीं देखेगा, बोलेगा आपका इस स्टॉक पे कितना इन्वेस्टमेंट है, वो आपका रिस्क है, वो आपका लॉस है, हम उसका भुगतान करेंगे, आप बेचेंगे कितने में ये हम नहीं सुनेंगे। लो सेवांग लिख लो, कोई अड़बड़ी नहीं, 5 मिनट में इसको लिख के कंप्लीट करो। आप बोलोगे तो मैं प्रॉफिट पॉलिसी आज स्टार्ट करूंगा, नहीं तो कल हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैंने आपको टाइम दिया ताकि आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नो हड़बड़ी। यस, शॉर्टकट वाले मेथड में भी फीफो कंसीडर हुआ है, क्योंकि हमने प्राइस बढ़ाया ना 10% प्राइस तो मैं तभी बढ़ा सकता हूं जब वो माल इस साल का परचेज्ड हो, मतलब मैंने अज्यूम किया लास्ट ईयर का गुड्स बिक चुका है, ये जो 120 है सिर्फ इस साल का गुड्स है। कोई बात नहीं, अगर हेवी हो गया तो हम लोग ठीक है, आप लोग एब्जॉर्ब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे।
जीपी का ज्ञान सबको समझ में आया ना, जीपी कैलकुलेट करने में बहुत बच्चे आज भी गलती करते हैं, जबकि बचपन में इतना 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 सिखाया, इन्वेंटरी चैप्टर, फाइनल अकाउंट चैप्टर, तो भी बच्चे जीपी कैलकुलेशन में बहुत गलतियां करते हैं। मैं तुमको बोलूंगा प्लीज 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 इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चंस में जीपी यूज करो, देखो जीपी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। जिनका हो गया आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लाइव क्लास को ऑफ कर सकते हैं एंड अपना दूसरा काम जो आपको करना है कर सकते हैं। प्रॉफिट पॉलिसी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। प्लीज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के जो दो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड एडिशनल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 16 एंड एडिशनल क्वेश्चन 1, वो प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा और इसको वाइंड अप कर दीजिएगा। कल से फ्रेश स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। पता नहीं है सर, शिवम एडिशनल क्वेश्चन जो है, एडिशनल क्वेश्चन वो जो स्टे अहेड कोर्स आप नवीन क्लासेस ऐप में कर रहे हो, जहां ये लाइव क्लास कर रहे हो, उसी में आपको दिख जाएगा एडिशनल क्वेश्चन का पीडीएफ, आप उसको यूज कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। डन। सेवांग आपने लिख लिया क्या? अगर लिख लिया तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा। हां श्वेतम, जीपे मेरे पास नहीं है, आई हैव पेटीएम, प्लीज गिव मी योर पेटीएम नंबर, आई विल जस्ट पेटीएम यू दी 500 रुपीज एंड आई विल डू इट, आई मीन इट, I mean it, Shwetam, I mean it. I'll give you. That's a reward of your good understanding in the class and good participation in the class. You must get it. Done? Thank you so much, everyone. Bye-bye.